हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस क्यू कैंसर हेल्प डेस्क। आज मैं आपको बताऊंगी कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं और डॉक्टर हमें किन टेस्टों से पता लगाते हैं कि हमें कैंसर है। भूख ना लगना, खांसी कंटिन्यू आना, बुखार का रहना बार बार, थकावट महसूस होना, थोड़ा भी चलने पर सांस का फूलना, हाफी आना, शरीर के किसी भी हिस्से में चमक जैसा दर्द बार बार उठना, बॉडी के किसी भी भाग में अगर आपको प्रॉब्लम है और उसका अचानक से चेंजिंग होना। इस तरह मुझे ऑफरेन कैंसर था तो मेरे पेट का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया और हल्का हल्का दर्द उसमें होता था। तो ये सारे सिम्टम्स से अगर आपके डॉक्टर को कुछ डाउट होता है तो वो आपको CA125 टेस्ट करने के लिए कहेंगे। CA125 एक सिंपल सा टेस्ट है जो कि हमें कोई भी प्रिपरेशन के साथ नहीं जाना होता है। खाली पेट या भर पेट भी हम इसका ब्लड टेस्ट सैंपल दे सकते हैं। ये हमारे बाजू से जो ब्लड निकाल करके उसका सैंपल उससे इसकी मतलब जांच की जाती है। CA125 का जो नॉर्मल जो यूनिट होती है वो 35 पर यूनिट ml होती है और अगर ये बड़ा हुआ है होता है तो आप बिल्कुल बिना समझे कि CA125 अगर बड़ा हुआ है तो वो कैंसर ही है। कई बार देखा गया है कि लिम्फोमा में भी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो CA125 अधिकतर पीरियड्स में और प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है। तो आप बिल्कुल भी दिमाग में ये ना रखें कि आपको कैंसर के सिम्टम्स हैं जी, और आप अपने डॉक्टर्स से CA125 क्या है। CA125 एक प्रोटीन है जो कि ओवेरियन कैंसर की सेल की सरफेस पर पाया जाता है। अगर डॉक्टर को शक है कि आपको ओवेरियन कैंसर है तो वो CA125 टेस्ट करने की सलाह जरूर देंगे। CA125 जो है ओवेरियन कैंसर, लंग्स कैंसर, लीवर और मतलब ब्रेस्ट कैंसर में भी CA125 की जांच की जाती है। CA125 की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 35 ml है, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो अगर इसकी वैल्यू अगर बढ़ी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही है। और CA125 के जांच को कंफर्म और भी करने के लिए डॉक्टर हमें मतलब सिटी स्कैन और बायोप्सी के टेस्ट के लिए कहते हैं। सिटी स्कैन क्या है? जब किसी भी बीमारी की गंभीरता को जानने के लिए डॉक्टर हमें सिटी स्कैन करवाते हैं। सिटी स्कैन में जब मतलब सिटी स्कैन के लिए जब के लिए हमें क्या करना है कि 2 से 3 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, और इसमें हमें मतलब एक मशीन के अंदर ले जाया जाता है। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं पहनना है, कि मेटल का हम पहने हैं तो वो सब हमें निकाल देना है। जो भी अगर हम कुछ गले में पहने हैं, रिंग पहने हैं या कुछ भी मेटल, अगर हमारी बॉडी में कुछ भी ना हो मेटल का। जब किसी बीमारी का अल्ट्रासाउंड या एक्सरे से पता नहीं चलता है तो डॉक्टर सिटी स्कैन के लिए सिटी स्कैन करते हैं। सिटी स्कैन जो है नॉर्मल एक्सरे की रेस से 300 गुना ज़्यादा होती है, इसकी एक्सरेज होती हैं। तो वो हमारी बॉडी जब किसी मशीन के अंदर जब सिटी स्कैन के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी छोटी से छोटी बहुत बारीक भी जो बीमारी होती है तो वो कंप्यूटर के द्वारा देख लिया जाता है और उसका सही ट्रीटमेंट हमें मिलता है। और सिटी स्कैन जो है हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही करवाना चाहिए, क्योंकि जितना ये मतलब यूज़फुल है उतना ही ये हार्मफुल भी है। क्योंकि सिटी स्कैन जब हम पूरी बॉडी हमारी इस मशीन के अंदर जाती है तो इसकी इतनी ज़्यादा एक्सरेज होती है, नॉर्मल एक्सरेज की से ज़्यादा उसकी, तो ये हमारी स्किन कैंसर का भी हमें खतरा होता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही सिटी स्कैन करवाएं। सिटी स्कैन के बाद डॉक्टर हमें बायोप्सी टेस्ट के लिए कहते हैं। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी एक मतलब शरीर से किसी भी टिश्यू को हमारे मतलब जहाँ पे अगर हमें प्रॉब्लम है और उस जगह से निडल या सर्जरी के थ्रू उस पार्ट से मतलब उस मांस को बाहर निकाल करके उसको कलेक्ट करना बायोप्सी कहलाता है। तो निडल बायोप्सी होती है, सर्जरिकली बायोप्सी होती है, इस तरह काफ़ी सारी बायोप्सी होती हैं जिसमें से नॉर्मल है निडल बायोप्सी। इस तरह मुझे ओवेरियन कैंसर था तो मेरी जो है निडल बायोप्सी हुई, मेरे नाभि से नीचे मुझे एक लंबी सी सुई के द्वारा जो ट्यूमर था उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में उसको सुई के द्वारा निकाल करके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि मतलब इसके सेल्स के स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी चेंजिंग है तो उसमें लगता है कि इसके मतलब कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बहुत बारीकी से मतलब इसकी जांच करते हैं माइक्रोस्कोप में और ये देखते हैं कि मतलब सेल्स की में क्या चेंजिंग आई है। अगर किसी को मतलब रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है या पैर की हड्डी में प्रॉब्लम्स है तो उसकी अगर बायोप्सी होती है तो देखिए वो हड्डी के अंदर मतलब उसको डालते हैं और जो उसमें
तो जो हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होती है उसके अंदर का वो सैंपल निकाल करके फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि अब उसके सेल्स में क्या चेंजिंग है। अगर उसके सेल्स में कुछ चेंजिंग है तो अगर पूरी बॉडी के सेल्स कुछ अलग हैं और उस जो हमें जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी उस मतलब सेल्स निकाल बॉडी के जो सेल्स उस सेल्स को निकालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अगर कुछ चेंजिंग है उसके स्ट्रक्चर्स में तो वो सिम्टम्स जो है कैंसर के ही होंगे। इस तरह डॉक्टर मतलब कीमोथेरेपी से पहले बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं, सीटी स्कैन करवा करके CA125 की जांच करवा करके और बायोप्सी करवा के पूरा कंफर्म हो जाते हैं कि हमें अब कीमोथेरेपी के लिए मतलब हमें कीमोथेरेपी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हमें कीमोथेरेपी दी जाएगी क्योंकि हमें कैंसर है और कैंसर का वही एक ही इलाज है कि मतलब कीमोथेरेपी या रेडिएशन के द्वारा इसको जड़ से ख़त्म करना। और ये सबसे बेस्ट होता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, इसका सही इलाज है। मेरी भी सारी जांचें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुई हैं और मतलब ऐसा बिल्कुल भी इन जांचों से बिल्कुल भी ना घबराएं, ये नॉर्मल जांचें हैं। ज़्यादा बायोप्सी में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ मतलब एक ही दिन थोड़ा हल्का सा दर्द होता है क्योंकि बहुत बारीक सुई होती है वो जो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अब फिर नई वीडियो में मैं कुछ और जानकारी के साथ आपके साथ शामिल होंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और बाय।